Xiaomi ने अभी हाल ही में भारतीय बाजार में अपने तीन नए LED TV पेश किए, यानी Mi TV 4C Pro, Mi TV 4A Pro और Mi TV 4 Pro, और उसमें से एक Mi TV 4A Pro आज हमारे पास आ चुका है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इस टेलीविजन के बारे में बताऊंगा और देखते हैं कि क्या ये टेलीविजन इस प्राइस रेंज में खरीदने लायक है या नहीं। सबसे पहले अगर मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू बता दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 49 इंच का ये टेलीविजन है और देखने में आपको काफ़ी शानदार लगेगा। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेजल्स काफ़ी छोटे दिए गए हैं इस टेलीविजन में और आपको इससे परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ अगर हम इसके पीछे की तरफ इसके पूरे बॉडी को देखा जाए तो भले ही ये Mi TV 4 के मुकाबले आपको थोड़ा सा ब्रॉड लगेगा, लेकिन दूसरे टीवी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इतना ब्रॉड नहीं है, फिर भी आप इसको आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको जो बताना भूल गया वो ये कि इस टीवी को जब आप खरीदेंगे तो आपको इसके साथ ये दो स्टैंड ऐसे मिल जाएंगे ताकि आप इसको अपने टेबल पर रख सकेंगे। इसके साथ पीछे की तरफ जो ये कंपार्टमेंट दिया गया है इसमें आपको सारे इसके पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 HDMI स्लॉट्स हैं इसमें, यहाँ पर दिए गए हैं ताकि आप अपने HDMI केबल्स को कनेक्ट करके कुछ भी अपना वीडियो कंटेंट देख सकें। साथ साथ दो आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं और एक एंटीना का स्लॉट दिया गया है। इसके अलावा अगर इस तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको एक AV इनपुट मिल जाएगा और यहाँ पर LAN कनेक्ट करने के लिए भी एक पोर्ट दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है कि कंपनी आपको इसके साथ 20 वॉट का आउटपुट मुहैया करा रही है, और वो इसलिए क्योंकि 10 वॉट का एक स्पीकर इस तरफ नीचे की तरफ दिया है और 10 वॉट का स्पीकर इस तरफ नीचे की तरफ आपको मिल जाता है। आई एम सॉरी कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जब आप खरीदेंगे तो आपको खुद ही इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। साथ साथ ऑडियो एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इस टीवी से, 20 वॉट का जो स्पीकर है काफ़ी शानदार है। अब ये तो हो गई इस टेलीविज़न के फिज़िकल ओवरव्यू की बात, हम बात करें इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको बता दूं कि 49 इंच का स्क्रीन साइज़ है, फुल HD रेजोल्यूशन आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 2GB की रैम मिलेगी, 8GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है ताकि आप मूवीज़ को और सॉन्ग्स को सेव कर पाएँ। साथ साथ इसमें आपको 64-bit का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है और ये टेलीविज़न जो है वो एंड्रॉयड ओरियो पर चलता है, उस पर पैच वॉल OS दिया गया है। अब मैं आपको एक बार इस टेलीविज़न के कुछ फीचर्स बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड ऑलरेडी कुछ ये एप्लीकेशन मिल जाती हैं, जैसे कि वूट है, आपको यहाँ पर हंगामा मिल जाता है, और इसके साथ साथ इसमें आप एंड्रॉयड के दूसरी एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो पूरी तरह से स्मार्ट टेलीविज़न है, तो आपको परेशानी नहीं होगी, एंड्रॉयड टेलीविज़न है तो आप एंड्रॉयड के सारे फीचर्स इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर USB का पोर्ट दिया गया है, TV आउटपुट है, AV आउटपुट है, HDMI के स्लॉट्स दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर सारी ऐप्स दी गई हैं, गूगल प्ले स्टोर भी है, तो आप प्ले स्टोर में जाके कोई भी एप्लीकेशन आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे और लेटेस्ट एपिसोड आपको अपने आप सजेशंस में दिखे जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको टेलीविज़न के स्क्रीन के बारे में बताया, वीडियो क्वालिटी के बारे में बताया, अब आपको मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कि आपको इसकी क्वालिटी का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। साथ साथ मैं ऑडियो भी प्ले करके आपको दिखा दूंगा। अब क्योंकि मैंने इसमें एक पेन ड्राइव कनेक्ट की है तो इसलिए मैं अब आपको इसमें एक सॉन्ग प्ले करके इसकी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं पेन ड्राइव में जाके एक पंजाबी गाना मैंने डाउनलोड किया है वो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ऑडियो काफ़ी लाउड है, आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ ऑडियो आया था इसका, और अगर आप एक हॉल में बैठे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इस टेलीविज़न से मिलने वाला है। साथ साथ अगर आप इसकी पिक्चर क्वालिटी देखेंगे तो कलर्स भी आपको काफ़ी पसंद आएंगे, चाहे कलर येलो हो, ग्रीन हो, रेड हो, आपको कलर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन आपको इस टेलीविज़न से मिलने वाली है। अब इस टेलीविज़न को ख़रीदने का एक फ़ायदा और है कि इसके बटन में आपको ये एक माइक का बटन मिल रहा है, जिसको प्रेस आप करेंगे तो गूगल अपने आप ही आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और जो भी आप इसे बोलेंगे वो एक्टिविटी ये कर पाएगा। तो एक बार डेमो कर लेते हैं। हे हेलो हेलो, तो आप देख सकते हैं कि आंसर मुझे मिल गया है, हाय व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कैन यू प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम यूट्यूब। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कमांड सुन ली गई है और एक गाना चल गया है यूट्यूब के
थ्रू इस टेलीविजन में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके साथ साथ बता दूँ कि इस टेलीविजन में आपको क्रोम कास्ट भी मिल रहा है, तो अब आपको एडिशनल एक अलग सा क्रोम कास्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को इससे सिंक कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो एक कंप्लीट पैकेज है टेलीविजन, और कीमत है मात्र 29,999 रुपये। ऐसे में ये तो था मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू इस टीवी को लेके। आपकी क्या राय है प्लीज़ वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपकी इस टीवी को लेके कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उन्हें जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।